हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो रिमेनिंग है चैप्टर नंबर 3 के वो देखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 से आज हमने स्टार्ट लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हमने एक्सप्लेन करना है और बताना है कि क्या ये ठीक है या गलत है। तो स्टेटमेंट लिखते हैं हम, मोशन विद द कॉन्स्टेंट वेलासिटी इज़ ए स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7। मोशन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, सो केस जो है हमने ये बताना है, इसे एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास अगर कॉन्स्टेंट वेलासिटी हो तो क्या कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन पॉसिबल है या कि नहीं है। अब हम देखते हैं हमारे पास जो फार्मूला होता है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के लिए या एवरेज एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन के लिए जो हमारा फार्मूला है वो होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अगर वी जो है वो कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब है वी एफ और वी आई, इनिशियल और फाइनल वेलासिटीज जो है ये दोनों इक्वल होंगी और इनको हम किसी v के बराबर रखते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं तो v माइनस वी डिवाइडेड बाय t, तो ये v माइनस वी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो एंड ज़ीरो इज इट्सेल्फ अ कांस्टेंट। इट मींस के अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट मुमकिन है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, और ये किसी भी केस के लिए जिसके अंदर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन को हम प्रूव कर सकते हैं कि वो ज़ीरो के बराबर होगा और ज़ीरो जो है ये इटसेल्फ एक कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है और दिस इज़ द स्पेशल केस ऑफ मोशन। ये एक स्पेशल केस है जिसके अंदर ज़ीरो को हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एक चीज़ तो हमने मोमेंटम और फोर्स के दरमियान रिलेशन बताना है और दूसरी जो चीज़ है इसमें वो हमने डिफाइन करना है सेकेंड लॉ जो है उसमें मोमेंटम को। सो मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स, सेकेंड लॉ जो है वो हमने डिफाइन करना है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो पहले हम शुरू करते हैं फोर्स और मोमेंटम के रिलेशन से। हमने मोमेंटम एंड फोर्स इन दोनों क्वांटिटीज़ को रिलेट करना है। सिंस एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, यहाँ पे जितनी क्वांटिटीज़ हैं इनको हम डिफाइन कर देते हैं। एक्सेलरेशन जो है वो ए के साथ डिनोट कर रहे हैं हम, वी एफ जो है यहाँ पे ये क्या चीज़ है, वी एफ इज़ फाइनल वेलोसिटी और वी आई यहाँ पे क्या चीज़ है, इनिशियल वेलोसिटी और टी जो है इट इज़ दी टाइम बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। ओके, सो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और इस मल्टीप्लाइंग बाय एम ऑन बोथ साइड्स, दोनों अतराफ पे m के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सिचुएशन बनेगी कुछ इस तरह से, डिवाइडेड बाय t एंड m क्या है, मास ऑफ बॉडी। अब अगर आप देखें तो ये वाली जो साइड है इसको हम बाय न्यूटन सेकेंड लॉ लिख सकते हैं, बाय
बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम ए, सो हम इस इक्वेशन को एम ए की जगह पे एफ लिख सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय टी आ जाएगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, वेयर एम वी एफ इज फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड एम वी आई इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ओके, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसी को, यानी ये जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया है, इसको इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम सेकेंड लॉ जो है उसको डिफाइन करना है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या होता है, फोर्स, फोर्स इज एफ इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे भी हमने फोर्स को ही डिफाइन करना है। तो अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो एफ विल बी इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी ओवर टी, और इस क्वांटिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। सो अब हम इसे स्टेटमेंट के तौर पे लिख लेते हैं, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी, और इसको हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या हम इसको कह सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने क्या बताना है, हमने डिफ़ाइन करना है इम्पल्स को। सबसे पहले इम्पल्स क्या चीज़ होती है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इम्पल्स जो है अगर फोर्स बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी बॉडी पे एक्ट करती है और उस बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है मोमेंटम में, तो इस फॉर्म में हम प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम जो है इन दोनों का प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं इम्पल्स, और इसको आई के साथ डिनोट किया जाता है। सो इसको डिफ़ाइन करते हैं, व्हेन अ लार्ज फोर्स acts on a body for very short interval of time, तो इस सिचुएशन के अंदर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स, और इम्पल्स को हम आई से डिनोट करते हैं और इसको हम एफ क्रॉस टी के तौर पे लिखते हैं। यहाँ पे अब फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इस लिहाज से हम इम्पल्स को भी एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे लिखेंगे। सिंस एक और इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, एफ जो है फोर्स, इट इज़ इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टी, यहाँ पे अगर टी को मल्टीप्लाई करें तो एफ मल्टीप्लाइड बाई टी विल बिकम इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें तो इन दोनों इक्वेशंस में जो एक साइड है वो बराबर है, एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी, इट मीन्स दूसरी साइड भी बराबर होगी। सो हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2 को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी
आई, यहाँ पे वेलासिटीज और इंपल्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो इस लिहाज से हम कह सकते हैं इंपल्स इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बॉडी। इंपल्स equal to instantaneous change in momentum of body। okay, next question है हमारे पास question number 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या बताना है, एक तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। उसके बाद हमने ये बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की जो एप्लीकेशन है उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्यों ज़रूरी हैं। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें ये बताता है कि जब किसी कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास मोमेंटम है, उस बॉडी का अगर मोमेंटम चेंज होता है तो उसके अंदर जो चेंज आएगी वो किसी ना किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम फाइनल और इनिशियल मोमेंटम को एडअप करें तो वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज जो होगी वो ज़ीरो होगी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें बताता है कि मोमेंटम के अंदर कोई चेंज नहीं होती एंड टोटल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। अब हम देखेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो क्या चीज़ होती है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टेट किस तरह से करेंगे हम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब हम देखते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम्स जो हैं ये क्या है और क्यों ज़रूरी है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती किसी बॉडी को, किसी सिस्टम को, दो बॉडीज़ के चाहे चार बॉडीज़ के सिस्टम को अगर हम सेपरेट करते हैं आउटर एटमॉस्फेयर से और हम ये कह सकते हैं कि इन बॉडीज़ के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम जो है अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को देखा जाए तो ये सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम्स के लिए वैलिड है, अदरवाइज़ ये वैलिड नहीं है। एक बात, दूसरी बात ये है कि अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली वैलिड कहें तो हम ऐसे सिस्टम्स को चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस वगैरह जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनका इन्फ्लुएंस ना होने के बराबर है। इसको हम कह सकते हैं कि इफ़ दी इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इज़ वेरी स्मॉल या नेग्लिजिबल, तो हम इसको कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो वैलिड होगा। सो आइसोलेटेड सिस्टम सिस्टम having no external influence is called isolated system and law of conservation of linear momentum is only valid for isolated systems, लेकिन इसके अंदर approximation भी हम लगा सकते हैं। It
is also valid if influence of external forces is very small. So this is the answer of the question number 10.